How many YouTubers are Ashish Tyagi? I'm so sorry. There was a little technical glitch. So we are going to start again. ठीक है ना? चलिए हम पढ़ रहे थे कि Nathan Green के बारे में और Charles English के बारे में. ठीक है ना? Nathan Green, he was one of the pioneer who supported this American Revolution hard and core, and he was one of the pioneer who led the Americans into the war. और loyalist या इनको कह लें कि ये he was very loyal to the Britishers, right? तो he supported hard and core the Britishers. तो इनके इनके मन में क्या थी उस समय, उस दौरान पेट्रियट्स के मन में क्या थी और इनके मन में क्या थी ये देख लेते हैं. तो Nathan Green का कहना था, I am determined to defend my rights and maintain my freedom and sell my life, or sell my life in attempt. इन्होंने कहा कि मैं या तो मैं अपने आप को बेच दूंगा, ठीक है, नहीं तो मैं लड़ता लड़ता मर जाऊंगा. और जो इंग्लिश थे, चार्ल्स इंग्लिश, इनका कहना था बाय रिकंसिलिएशन विद ब्रिटेन वुड बी पुट टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वॉर बाय विच मैनी लाइव हैव बीन लॉस्ट एंड सो मैनी मोर हैव. तो इनका यह डर था, इन्हें अपने जान का खतरा था. इन्होंने कहा कि बेमतलब में मर रहे हैं लोग, ठीक है ना, हम लोग कुछ ना कुछ मिडिल में सोल्यूशन निकाल लेंगे. तो ये लोग थे. तो आप ये देखिए, पेट्रियटिस्ट जो थे, पेट्रियोटिक जो थे, दे वर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, ठीक है ना, अधिकार के लिए लड़ाई थी. अमेरिकन्स की जो लड़ाई थी, ये अधिकारों के लिए लड़ाई थी, ठीक है ना. चलो, व्हाट वाज द बिगेस्ट एडवांटेज द अमेरिकन कांग्रेस हैड ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी वॉर? तो क्या एडवांटेज था? तो और जो दूसरा, जो तीन क्वेश्चन हम लोग लेंगे कि भाई इनको क्या एडवांटेज था. दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट वाज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन? ब्रिटेन का क्या एडवांटेज था, अमेरिकन्स को क्या एडवांटेज था, ब्रिटेन का क्या एडवांटेज था? चलिए, तो इनमें हम लोग देखते हैं कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स की क्या थी. हम ये देखते हैं कि उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या थी और वीकनेस क्या थी, ठीक है ना. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फेमिलियर, तो उनके घर की लड़ाई थी तो उन्हें फेमिलियर था, बैटल ग्राउंड उनके पास फेमिलियर था. लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन वाज वेरी मच पायनियर लीडरशिप, ठीक है ना. इंस्पायरिंग कॉजेस ऑफ द इंडिपेंडेंस. अब इनकी वीकनेस क्या थी, मोस्ट सोल्जर्स वर अनट्रेन्ड एंड अनडिसिप्लिन्ड, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड एमिनेशन, इनफीरियर नेवी, यानी इनकी जो नेवी थी इट वॉज वेरी पुअर, नो सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनफोर्स. और यहाँ पर दे हैड सपोर्ट फ्रॉम फ्रांस, तो ये आप नहीं भूलेंगे स्ट्रेंथ में लिखने में, ठीक है ना. अब ग्रेट ब्रिटेन की स्ट्रेंथ देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वेल ट्रेंड आर्मी एंड नेवी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट विद अवेलेबल फंड बहुत था इनके पास, सपोर्ट टू द कॉलोनिस्ट, लॉयलिस्ट उनको सपोर्ट कर रहे थे और कुछ नेटिव अमेरिकन भी सपोर्ट कर रहे थे. इनकी वीकनेस देख लेते हैं, इनको देखो दूर की लड़ाई थी, they were not involved in the war into their homeland. वो किसी और के homeland पे जाकर war declare कर रखा था. Troops were unfamiliar with the terrain. क्या उनका system था, क्या वहाँ पर terrain का वो था, वो बहुत था. और weak military leaders था. Sympathy of British politician for the American cause. ठीक है ना, ये सारी weakness थी, strength थी Americans की. कुछ वीक स्ट्रेंथ मैंने आपको अमेरिकन की बताई, वीकनेस बताई, और कुछ मैंने आपको ग्रेट ब्रिटेन की बताई और उनकी वीकनेस बताई, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, ये जॉर्ज वाशिंगटन जो है, ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, ही इज जॉर्ज वाशिंगटन एंड ही सिंबलाइज इंडिपेंडेंस. उन्होंने सिंबल की तरह से इस्तेमाल किया कि जॉर्ज वाशिंगटन वुड बी आवर प्रेसिडेंट एंड ही विल लीड अस टू एनीवेयर, एनीथिंग, ही कुड डू एनीथिंग. उन्होंने इस तरह से स्पीचेस दी हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन कुछ भी कर सकते हैं हमारे, और वो कुछ भी उन्होंने किया, उन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाया उन्हें, ठीक है. चलिए, वही है ये अमेरिकन्स क्या सोचते थे, ये कुछ आपके अमेरिकन्स बने हुए हैं, अमेरिकन जैसू वॉर द कैप लाइक यू नो जैक स्पैरो, दे यूज्ड टू वियर द कैप लाइक जैक स्पैरो एंड यू नो दे हैव देयर ओन ब्लू ड्रेसेस एंड ऑल दैट, एंड ब्रिटिशर्स तो आप जानते हैं रेड में रहते हैं सब लोग, ठीक है ना. और ये सारी चीज़ें हैं कि ये है जनरल वाशिंगटन, ही लेड अस, एंड जनरल गेज, ही फॉट, ये गेज थे, ये फ्रंट रनर अप थे, ये ब्रिटेन को लीड कर रहे थे, और जॉर्ज वाशिंगटन हमारे जो है, ये दोनों जनरल थे अपने अपने रैंक में, एंड ही लेड अमेरिकन्स. चलिए
चलिए आगे चलते हैं। इनको गुरिल्ला वॉर वही सब है कि भाई ब्रिटिशर्स इनके पास है, डिवाइड एंड रूल, ठीक है ना। और वो क्या करते थे कि भाई डिवाइड कर दिया, फूट डाल दिया, राज कर दिया। और अमेरिकन क्या था, ये गुरिल्ला वॉर करते थे एंड देवर वेरी गुड एंड मेकिंग देवर वेरी गुड इन मेकिंग बेस्ट ऑफ आउट, कि मतलब उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको कैसे बढ़िया तरीके से यूज करें, ये अमेरिकन बहुत बढ़िया तरीके से जानते थे। ये उस समय की वॉर है 1775 से लेकर 1778 तक। ये कॉलोनिया है, पहली कहां पर हुआ ये पूरा दे रखा है इसमें कि पहला कहां पर हुआ, जैसे कॉन्कॉर्ड और कॉन्कॉर्ड का वॉर हुआ 1775 में हुआ, वो यहां पर हुआ। फिर यहां पर आप देखेंगे बॉस्टन, बॉस्टन बॉस्टन में टी पार्टी हुई, ठीक है ना। फिर ये यहां पर न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में भी आउटबर्स्ट हुआ, ठीक है ना। ये सिलसिलेवार तरीके से दे रखा है कि कौन कौन सी चीज कहां पर कैसे कैसे आउट और कौन कौन से ईयर में हो, ठीक है ना। वो सब भी हमारे सामने का मतलब बताने का मौका नहीं, पर आई एम गोइंग टू यू नो टेक इट वेरी शॉर्टली, आई एम गोइंग टू टेक इट वेरी शॉर्ट नो, यू नो मैं इसको जल्दी से फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1768 में स्टैम्प ड्यूटी आई, फिर आपका 1767 में टेरन हैंड टेरन टाउंस हैंड एक्ट आया, फिर आपका इंटॉलरेबल एक्ट आया 1774 में, ठीक है ना। 1774 में इंटॉलरेबल एक्ट आया, फिर जॉन वॉशिंगटन ने आपके ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट ने जो एक वो दिया था उसको रिजेक्ट किया, फिर ब्रिटिशर्स ने न्यूयॉर्क पर अटैक किया और फिर बॉस्टन पर उन्होंने मैसेकर किया, फिर बॉस्टन पार्टी हुई, ठीक है ना। और इवेंचुअली ये लीड करते 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 1783 में आपका वॉर हुआ एंड दे गॉट इंडिपेंडेंस। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, राइट, जो नींव रखी गई थी लैंगस्टन और कॉन्कॉर्ड के वॉर में रखी गई थी, ठीक है। चलिए ओके ओके ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन नटशेल, दिस इज ऑल अबाउट द अमेरिकन वॉर। और आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड देयर आर मोर वीडियोस कमिंग अप, ठीक है ना। यू कैन सी आई एम ऑल स्वेटिंग बैडली, ठीक है ना, मैं पूरा भीगा हूं पसीने में, ठीक है। चलिए, और चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और चैनल को ग्रो करने के लिए मेरे पास बहुत फोन कॉल्स आते हैं अप्रिशिएशन के लिए, और मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं अप्रिशिएशन के लिए, लेकिन आपका प्यार जरूरी है चैनल को ग्रो करने के लिए, हेल्प कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।